बताएं सर, बोर्ड की परीक्षाएं आ रही हैं, कब से परीक्षाएं हैं, और आज जो उस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि नकल को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे, किस तरह के कदम हैं और क्या निर्देश हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि सेशन में लास्ट में परीक्षाएं होती हैं, जैसे सेशन खत्म होता है तो परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं, तो 27 से परीक्षाएं जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं, एमएससी की, और उसके बाद एसएससी की होंगी, और उसके बाद एसएस पार्ट टू की, फर्स्ट की भी होंगी। जैसा परीक्षाओं का समय जो महीना है ये शुरू हो चुका है, उसी के संदर्भ में बीइंग ए क्लास हेड मेरी ये ड्यूटी थी कि आज मैं इनके साथ रूबरू हो जाऊं, अपने जितने भी स्टूडेंट थे, सेंटर्स हमारे 7 सेंटर बने हुए हैं इसके, ये क्लस्टर जो है अब डिवाइड हो चुका है, सनर गार्ड क्लस्टर अलग बन चुका है, लेकिन डायरी की तरफ से अभी तक जो 8th का स्टैंडर्ड है वो क्लस्टर हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल सॉरी है पुराने चल रहा है, तो वो भी हमारे पास ही है। तो सब मिला करके 7 सेंटर हैं और 396 बच्चे हैं उसमें। सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी में ही इस सेंटर में है 134, और सबसे कम चैंखर में है 15 बच्चे, क्योंकि उन बच्चों को बहुत दूर पड़ता है, तो उनकी फैसिलिटी के लिए, उनकी सहूलियत के लिए वो सेंटर बनाना डायट ने उचित समझा, तो उसमें वो सेंटर बना हुआ है। नकल को रोकने के लिए जो प्रभावी कदम हैं, इनको हिदायतें दे दी जा चुकी हैं कि जो एग्ज़ाम की पवित्रता है, परीक्षा की पवित्रता को बनाए रखें, बच्चों को हरास ना होने दें, बच्चों को ह्यूमिलेट ना होने दें, उनके साथ बड़ा फ्रेंडली व्यवहार रखें, दूसरी नकल की कोई गुंजाइश ना रहे। परीक्षा केंद्र में जाने से पहले जैसे ही आप एंटर करें, अपने आप को महसूस करें कि हाँ हमने जो परीक्षा आज कंडक्ट करनी है और उसकी जो वित्तता है, उसकी जो नियम है, उनका पालन जरूर करना है। प्रश्न पत्र खुलने से पहले इनको बतला दिया गया है कि जियो टैगिंग, उसकी आप फोटो लेंगे, वहाँ के HOI के, वहाँ के स्टाफ मेंबर का, और व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन आप उसको वीडियो बना करके, वीडियोग्राफी करके कम्प्लेक्स हेड को भेजेंगे। दूसरा विजिलेंस स्क्वाड भी आपके सामने होगा, उसकी प्रेजेंस में होगा, और परीक्षा खत्म होने तक वो वहीं पर रहेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि हम ये नकल नहीं होने देंगे, किसी के मत पर, किसी के प्रेशर में नहीं आना है, किसी की सुननी नहीं है, अपने परीक्षा के नियमों को पालन करते हुए आपने उसको कंडक्ट करना है। ये क्योंकि हम इस बात को करने जा रहे हैं कि जो हमारा समाज है वो कैसे अच्छी दिशा की ओर बढ़ सकता है, कैसे उन्नतशील हो सकता है, हमारे बच्चे कंपटीशन में कैसे जा सकते हैं। यदि हम परीक्षा में नकल को नहीं रोक पाएंगे तो हम अपने आप को बहुत घृणित महसूस करेंगे और अपने समाज के प्रति उत्तरदायित्व ना सहन करते हुए, प्रदर्शित करते हुए हमें इसको बहुत पीछे ले जाएंगे। हमने उसी के संदर्भ में आज मीटिंग बुलाई थी, बार बार इनको बता दिया गया है कि आपने परीक्षा के समय उचित स्थान पर जो आप परीक्षा ले रहे हैं उसमें आपने इन नियमों का पालन करना है, वो इनको हमने पहले ही बता दिया है, और आप लिखित में भी आपको दे दिया है कि जो नियम होते हैं उनके हिसाब से ही आपने परीक्षा लेनी है, क्योंकि परीक्षा के दौरान बहुत सा प्रेशर होता है, सामाजिक प्रेशर भी होता है, टीचर और मास्टर्स को लोग बड़े उस समय प्यार से पुकारते हैं, बुलाते हैं, और हम उनके प्रेशर में आए व्यवहार जो है वो सामान्य रखें, जो मेल जो है बनाए रखें, लेकिन परीक्षा के दौरान किसी भी किस्म की कोताही ना बरतें, जी हमने इनको निर्देश दे दिया। परीक्षा केंद्र में जो एंट्री है, अगर रोल नंबर, अगर रोल नंबर किसी के पास नहीं है तो किस तरह से? हाँ जे हम इनको अभी भी लिख में दे दिया है कि परीक्षा के समय बच्चा अपने रोल नंबर के साथ एक आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड जरूर लेके, क्योंकि आधार कार्ड आजकल हर बच्चे का है, हर बच्चे के पास है, वो अपना आधार कार्ड जरूर इंश्योर करें उसको साथ लाने के लिए। किसी कारणवश किसी बच्चे का नहीं है जी, तो वो अपने HOI के हस्ताक्षर किए हुए फोटो
फोटोग्राफ और उसका लेटर पैड स्कूल का होना चाहिए ताकि वो प्रमाणित कर सके कि ये बच्चा मेरे ही स्कूल का है, उसकी जगह कोई दूसरा ना बैठ सके। अगर सर हैंडीकैप पर्सन लिखने में असमर्थ है तो उसके लिए किस तरह की सुविधा होती है? उसके लिए इनको पता है कि रैंप्स बने हुए हैं हर स्कूल में, और इनके किसी स्कूल में रैंप नहीं है तो वो उसकी सुविधा के अनुसार वहाँ पर बच्चों को बिठा सकते हैं। बच्चे को परीक्षा से रोकना नहीं है, परीक्षा उससे हर हाल में लेनी है और कंडक्ट करनी है। कब से ये परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और क्या समय को परीक्षाएं शुरू हो रही हैं? क्या समय रहेगा? 11 से 2 बजे तक का, 11 से 2.5 घंटे का पीरियड होता है, 11 से 1.5 बजे तक पेपर होगा इनका। आगे देखते हैं एससीईआरटी का क्या, उसमें प्रश्न पत्र में क्या कितना नियम बनाते हैं वो, उसके हिसाब से क्या मैसेज रहेगा विद्यार्थियों के लिए? विद्यार्थियों के लिए अच्छा मैसेज रहेगा कि अच्छे से परीक्षाओं की तैयारी करें और अच्छे से परीक्षाओं की मतलब कि वहाँ समय पर पहुँचें और अच्छे से परीक्षाएं जो है वो दें और उसी के हिसाब से वो अपना नियम जो है बना लें और ये गुंजाइश ना रखें कि वहाँ पर हमें किसी प्रकार का नकल का सहयोग मिलेगा, कोई हमारे आश्वस्त करेगा कि हम आपका आप चिंता मत करो, ऐसा वो अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। बड़े स्मूथ और प्यार से फ्रेंडली व्यवहार से परीक्षाएँ कंडक्ट होंगी, बच्चों को बहुत ही उत्साहवर्धक समय मिलेगा, लेकिन नकल की गुंजाइश नहीं होने देंगे हम। वो समय समय पर हम भी जो विजिलेंस स्क्वाड है वहाँ पर मौजूद भी होगा, लेकिन जो फ्लाइंग स्क्वाड है उसके साथ वो भी समय प्रतिदिन किसी ना किसी परीक्षा केंद्र में बैठा होगा।